वेल हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। जीके के इस सेशन में मेडिवेल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर न्यू अपडेट्स ऑल्सो। भारतीय इतिहास का अध्ययन सामान्यतः तीन भागों में किया जाता है, या तीन भागों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको बांटा जाता है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी एंशियंट इंडिया, मेडिवेल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। मध्यकालीन भारत का अध्ययन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको भी तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपीय कंपनी। इनमें मुगल काल मुस्लिम शासकों से संबंधित है और यूरोपीय कंपनी जब भारत आई थी। लेकिन आज हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको देखा है कि कंपटीशन में दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और हम इनका सही आंसर तभी कर सकते हैं जब विषय पर हमारी कमांड हो, यानी हमें सही उत्तर इसका भली भांति पता हो। अतः आज हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। दिल्ली सल्तनत के नामकरण के संदर्भ में या इस सल्तनत के राजवंश के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे दास वंश, मामूलक वंश, इलबारी वंश व प्रारंभिक तुर्क कहकर पुकारते हैं, तो वास्तविकता यह है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सुल्तान तीन अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी एवं बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का शासक या प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्वयं दास था। इल्तुतमिश और बलबन भी दास थे, किंतु इस शब्द को मान्यता इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में केवल तीन शासक ऐबक, इल्तुतमिश एवं बलबन ही दास थे, तथा सत्ता ग्रहण करने के पूर्व उन्हें दासता से मुक्त कर दिया गया था। इनमें यह बात भी ध्यान देने योग्य है, या यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि सभी शासक इलबारी जाति से संबंधित नहीं थे। ऐबक इलबारी तुर्क नहीं था। बलबन अपने आप को इलबारी तुर्क कहता था, किंतु उसके दरबारी इतिहासकार मिना हाजुद्दीन सिराज के तथ्य से यह सिद्ध नहीं होता है। कुछ हिस्टोरियंस ने इसे आदि तुर्क भी कहा, किंतु सभी की दृष्टि से इसे मामूलक वंश या मामूलक शासन कहना ही उपयुक्त माना गया। मामूलक वंश के 11 शासकों ने कुल 84 वर्षों तक शासन किया, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, सुल्ताना रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकोबाद एवं कैयूमर्स इत्यादि प्रमुख हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उपर्युक्त महत्वपूर्ण वर्णन के संदर्भ में जानने के बाद यह जानना भी आवश्यक है कि मामेलुक शब्द का अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास, लेकिन दासता का अर्थ फिर भी इसमें निहित है। यानी स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान है, उसे दास कहा गया, लेकिन दासता का अर्थ या दासता की ध्वनात्मकता या ध्वनि उसमें निहित है। NCERT में मामेलुक शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अपनाया हुआ। ये दास घरेलू कामकाज या आर्थिक कार्यों में संलग्न ना रहकर सैनिक सेवा करने वाले थे। सल्तनत के पहले राजवंश को इलबरी कहना ही उपयुक्त है, क्योंकि ऐबक को छोड़कर इस राजवंश के सभी शासक तुर्की जनजाति से संबंधित थे। तुर्की भाषा में कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद 24 जून 1206 ईस्वी में संपन्न हुआ। फक्रे मुदब्बिर की पुस्तक आदाब उल हर्ब में ऐबक का यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का उल्लेख मिलता है। यह ऐबक के वृतांत तक ही सीमित है, यानी इसमें केवल ऐबक का ही वर्णन किया गया है। भारत में ऐबक का जीवन 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। माउंट आबू में चालुक्य भीमदेव द्वितीय के
सेनापति कुंवर पाल को उन्होंने पराजित किया और 1197-98 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक से बंदायु को जीत लिया। मेरठ, अलीगढ़ और कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी को भारतीय रियासत का मालिक या सिपाही सालार बना दिया गया था। सिपाही सालार और मलिक की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के द्वारा प्रदान की गई थी। यह काल राजनयिक कार्यों में बीता। 1208 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक अधिकार प्राप्त शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही कहलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में कई तथ्य जानने योग्य हैं, या यूँ कहें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे नियति ने उसके साथ अपना खेल खेला एवं उसे सत्ता की उच्चासीन किया या सत्ता की उच्चता तक ले गई नियति। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में वह अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने उसको खरीद लिया। उस समय तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। वे अपने गुलामों को साहित्य, कला इत्यादि शिक्षा में पारंगत किया करते थे। अतः काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसे धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी की सुविधाएँ भी प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था, या यूँ कहें कि प्रतिभा संपन्न था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। अत्यंत सुरीले स्वर में वह कुरान पढ़ता था एवं कुरान के संदर्भ में उसे काफ़ी ज्ञान प्राप्त था। बाद में उसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला पुकारा जाने लगा। कुछ समय बाद जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले आया, जहां मोहम्मद गौरी ने उसको खरीद लिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आए और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में धीरे धीरे शनै शनै प्रगति की या प्रोग्रेस की। तो आज हम इसके संदर्भ में इतना ही बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखें एवं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू।